हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए देखते हैं कि डेटा शॉर्टिंग क्या कहलाती है, डेटा को शॉर्ट करना क्या कहलाता है। अब मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे आप देख सकते हैं, ये डेटा जो है असेंडिंग ऑर्डर में अभी नहीं है। ये ऊपर वाले डेटा की मैं बात कर रहा हूं, ये जो लिखा हुआ है डेटा, ये अभी असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है। ये क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है, ठीक है। इसके उलट ठीक नीचे आप देख, डेटा जो है ये असेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि पहले छोटा वाला नंबर, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, दैट इज कॉल्ड असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसे हम असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। चलिए बात कर लेते हैं कि अब इसको हम करेंगे कैसे, इसके लिए प्रोग्राम कैसे लिखेंगे। तो चलिए आइए चलते हैं कोड विंडो पर, हमें अपनी कोडिंग करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं हैश इंक्लूड stdio.h हैश इंक्लूड conio.h और यहां पर void main, ठीक है। इतना करने के बाद यहां पे curly bracket लगा लीजिए आप, और अब क्या करना है आपको ये समझना है। देखिए variables हमें बनाने पड़ेंगे, data shorting करनी है ना, तो एक हम int type का variable बनाते हैं, ठीक है। और इन टाइप का एक वेरिएबल आई बना लेते हैं लूप चलाने के लिए, और एक वेरिएबल जे बना लेते हैं लूप चलाने के लिए, ठीक है। एक वेरिएबल ए बनाते हैं और एक वेरिएबल हम एन नाम से बना लेते हैं, और एक एरे बनाएंगे हम नंबर, ठीक है। और इसमें हम कुछ भी, जैसे सपोज कीजिए मैं यहां 30 स्टोर करा दे रहा हूं, ठीक है। अब हमें करना है इसको टर्मिनेट, नीचे आएंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर करेंगे, ठीक है। स्क्रीन को क्लियर करने के बाद अब क्या करना है आपको, यहां पे प्रिंट एफ देना है, जैसा कि यूजुअल आप देते हैं, तो यहां लिखता हूं प्रिंट एफ, ठीक है। प्रिंट एफ में जो मैसेज आप प्रिंट करवाना चाहते हैं वही देंगे हम। तो हम प्रिंट करवाना चाहते हैं, अब जैसे हमने एक वेरिएबल लिया है n, तो n की वैल्यू यहां एंटर करेंगे, एंटर द वैल्यू ऑफ n, बंद करेंगे, टर्मिनेट करेंगे। नीचे आएंगे, यूजर से इनपुट लेना है, स्कैनफ जरूर लगाना पड़ेगा आपको, तो यहां स्कैनफ लगा दिया। परसेंट डी, चूंकि इंटीजर है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर परसेंट डी ही यूज होगा, और परसेंट डी लगाने के बाद एड्रेस ऑफ सिंबल हमें लगाना है, यानी इसे हम बोलते हैं एड्रेस ऑफ सिंबल, और एन में जाके वैल्यू स्टोर हो जाएगी, टर्मिनेट कर देंगे इसको, ओके। फिर हम क्या करेंगे, यहां पर एक और प्रिंट एफ लगाएंगे, ठीक है। प्रिंट एफ, ये तो डेटा जो है एन की वैल्यू यहां एंटर करेंगे हम, अब हम नंबर्स को एंटर कराएंगे, ठीक है। तो हम यहां ये भी प्रिंट करवा, अब यहां पे मैं फॉर लूप लगा लेता हूं, ठीक है। आप कोई भी लूप लगा सकते हैं, वाइल या डू वाइल या फॉर भी लगा सकते हैं। देखिए मैंने फॉर लगाया है, तो मैं आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कर रहा हूं, जीरो से क्यों, अरे है, ठीक है। तो अब यहां पर आई की वैल्यू जो है लेस देन लिखा है मैंने, लेस देन एन होगी, इक्वल टू नहीं लिखा इसमें, मैंने लिखा सिर्फ लेस देन एन। फिर आई प्लस प्लस किया मैंने, ठीक है, और आई प्लस प्लस करने के बाद हमें क्या करना है, स्कैन एफ लगाना है फिर से, तो स्कैन एफ परसेंट डी एड्रेस ऑफ नंबर आई, ओके, गॉट इट। अब आगे लगाएंगे लूप, फिर चलाएंगे हम, ठीक है, लूप चलाएंगे। तो इस बार हम क्या चलाएंगे, आई की वैल्यू को, फिर वही काम, आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट किया, आई इज लेस देन एन, ओके, और आई प्लस प्लस, तो यहां पर कर देंगे आई प्लस प्लस, ओके। अब चूंकि नेस्टेड लूप लगा रहे हैं हम, तो यहां पर कर्ली ब्रैकेट बनाना जरूरी है, तो इसके अंदर एक और फॉर लूप लगाएंगे, जे की वैल्यू को जे इज इक्वल टू आई करेंगे, यानी जो आई में स्टोर हो, ठीक है, और उसको उसमें वन हम प्लस कर देंगे, ठीक है। वन क्या करेंगे, प्लस कर देंगे इसमें, और प्लस करने के बाद यहां पे लिखेंगे j इज लेस देन n, ओके, क्योंकि n में जो वैल्यू है उससे छोटी हो, और यहां पे टर्मिनेट करेंगे, और i इसके बाद j प्लस प्लस करेंगे, i तो हो चुका है, तो ये हो गया हमारा, ओके, और टर्मिनेट करने के बाद j इज लेस देन n और j प्लस प्लस, ओके। अब नीचे आइए, नीचे आने के बाद यहां पे इफ एल्स की कंडीशन लगाएंगे, दोनों में से कोई एक ही लूप चल रहा होगा,
ठीक है, एक ही चलेगा। तो यहां पे मैं लगाता हूं इफ, आई एफ इफ, ठीक है, और इफ नंबर, नंबर जो वेरिएबल बनाया, और आई, ओके, तो आई ले लिया हमने यहां पे, लेस देन, अगर सॉरी ग्रेटर देन, ग्रेटर देन नंबर जे, यानी नंबर आई अगर नंबर जे से ग्रेटर हो, इन दिस कंडीशन क्या होगा, यहां पे ए इज इक्वल टू, ए भी एक वेरिएबल हमने ऊपर बनाया है, आप देख सकते हैं, नंबर आई कर देंगे, ओके। और इसके बाद फिर यहां पे नंबर आई इज इक्वल टू नंबर जे, ओके। इतना करने के बाद हमें क्या करना है, नंबर जे इज इक्वल टू ए, ओके, और यहां पर करेंगे इसको क्लोज, ओके, यहां पे क्या करना है, इसको क्लोज करना है सबको। तो यहां पे थ्री कर्ली ब्रेसेस ओपन की हमने, तो थ्री को क्लोज कर देंगे। इन तीनों को क्लोज करने के बाद अब हमको प्रिंट करवाना असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ, प्रिंट एफ में वो मैसेज दे देंगे हम असेंडिंग ऑर्डर इज, इतना लिख दिया हमने, ठीक है। और यहां पे बैकस्लैश एन लगा लेता हूं मैं लाइन चेंज करने के लिए, और इसको करूंगा क्लोज और करूंगा टर्मिनेट, ओके, तो ये टर्मिनेट कर दिया। और फिर यहां पे फॉर लूप लगा लेते हैं हम एक बार और आई की वैल्यू को जीरो से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, और आई इज लेस देन एन, आई इज लेस देन एन कर दिया हमने, और एन करने के बाद यहां पे आई प्लस प्लस कर देंगे, ये तो आपको पता ही है, ओके। फिर नीचे आएंगे तो अब यहां पे लिखेंगे प्रिंट एफ, फिर प्रिंट करवाएंगे इसको परसेंट डी यहां बैकस्लैश एन लाइन चेंज करने के लिए, ठीक है, और नंबर जो हमने वेरिएबल बनाया था आई, इसी को हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है, नंबर आई करेंगे क्लोज, करेंगे टर्मिनेट। और अब हमें क्या, इस भी ब्रैकेट को कर देना है क्लोज, ओके, और नीचे आकर के गेट सी एस लगाना है, और यहां से इसको टर्मिनेट कीजिए और यहां पे इसको क्लोज कर दीजिए, ये ब्रैकेट हटा दीजिए आप बस, ठीक है, और यहां से इसको सेव करिए। तो आइए सेव करते हैं, मैं इसको नाम देता हूं असेंडिंग डॉट सी, ओके, सेव किया, कंपाइल करवाते हैं इसको, एरर यहां पे इन्वर्टेड कॉमा छूट गया है, तो यहां पे कोई दिक्कत नहीं, लगा लेते हैं, टर्मिनेट किया, ओके, अब इसको सेव करते हैं दोबारा से, अब इसको कंपाइल करवाते हैं, एरर यहां पे, तो ये कॉमा भी लगा लेते हैं, एड्रेस ऑफ नंबर आई बंद करेंगे, टर्मिनेट करेंगे, अब इसको सेव कीजिए, कंपाइल करवाइए, सक्सेस हो गया। अब इसको रन करवाने की बारी है, ये कंपाइलेशन तो हो चुका है हमारा, रन करवाते हैं इसको, तो ये रन हो गया। अब सेवन वैल्यूज हम एंटर करने वाले हैं, तो अब वो वैल्यूज एंटर करते हैं, 66, 33, 23, 77, 21, 1, 2। अब इसको देखिए एकदम से असेंडिंग ऑर्डर में इसने कर दिया, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से इसने असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर दिया है। उम्मीद है कि यह बात आपको समझ में आई होगी कि कैसे इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम कर सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर